प्यार करते हो उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि आप उनकी खुशी के लिए उनको छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको माय लव चाइनीज मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी में प्योर लव दिखाया गया है। ये बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। और बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर जो को देखते हैं, जो कि स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है। आज उसे अपनी हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड का लेटर मिला। उसका नाम यंग है। लेटर को देखकर उसे अपने हाई स्कूल के डेज याद आते हैं। जब वो स्कूल में था तो बहुत ही डफर स्टूडेंट हुआ करता था। हमेशा उसके टीचर्स उसे डांटते रहते थे। अपने क्लासमेट्स के साथ भी उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसका झगड़ा चल रहा था, तभी अचानक से उसके सामने से यंग निकलती है। उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। वो बेचारा मार खाते हुए भी हंस रहा था। फिर जो को पनिशमेंट देने के लिए टीचर्स ऑफिस में बुलाया जाता है, तभी वहाँ पर यंग आती है। यंग स्कूल की न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट थी। जो उससे बात करना चाहता था तो वो उसके पास जाता है और कहता है, अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यंग ने जो की फटी हुई पैंट देख कर कहा कि पहले तुम खुद की तो हेल्प कर लो, इसके बाद मेरी हेल्प करना। जो अपना इम्प्रेशन बिल्कुल भी नहीं जमा पाया यंग पर। यंग इतनी सुंदर थी कि स्कूल के हर लड़के की क्रश बन गई थी। स्कूल की स्विमिंग टीम का कैप्टन भी यंग को पसंद करने लगा है। जब जो यंग के साथ था तभी उस कैप्टन ने यंग को प्रपोज किया। कैप्टन अपनी स्विमिंग की ट्रॉफी दिखाकर यंग से डिनर पर चलने की पूछता है, पर यंग उसे मना कर देती है और जो उसे कहती है, चलो हम यहाँ से बाहर चलते हैं। जो तो बहुत ही खुश हो गया था। यंग उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। जो उस पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए उससे कहता है, तुमसे पहले मेरी 5 गर्लफ्रेंड्स थी। यंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। अगले दिन स्कूल में कैप्टन ने अगेन यंग को अप्रोच करने की कोशिश की। इस वजह से जो में और उसमें फ़ाइट हो गई थी। फाइट के बाद जो यंग के साथ रेस्टोरेंट आकर कहता है, तुमने अगर सबको बता दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यंग कहती है कि तुम बहुत फाइट करते हो, मुझे फ़ाइट करने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जो कहता है, अगर मैंने फ़ाइट छोड़ दी तो फिर क्या। वो दोनों बात ही कर रहे थे तभी वहाँ कैप्टन आता है और उन दोनों को परेशान करता। इससे पहले यंग उससे कहती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है। कैप्टन इस बात पर बिलीव नहीं करता। अगले दिन स्कूल कैंटीन में जो और यंग साथ में लंच कर रहे थे, तभी कैप्टन वहाँ आया और उसने जो के ऊपर मिल्क फेंका। जो उसके साथ फाइट नहीं करता यंग की वजह से, और कैप्टन से जाकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कूल हो। कैप्टन कहता है, हाँ मैं कूल हूँ। जो उससे कहता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुम कूल हो, इसलिए मुझे तुमसे फ़ाइट नहीं करनी। और अगर हर चीज़ के लिए हम बुरी तरह फ़ाइट करते रहे तो इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। कैप्टन पूछता है, तो अब हम क्या करेंगे। जो कहता है, अब हम स्विमिंग कॉम्पिटिशन करेंगे। कैप्टन कहता है, ठीक है। और वो बैट लगाता है कि अगर मैं जीत जाऊँगा तो यंग को एक पेपर पर लिखकर कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है उसे अपनी बैग पर चिपकाना होगा। जो कुछ कह पाता इससे पहले यंग इसे एक्सेप्ट कर लेती है। यंग जो उसे कहती है, जाकर स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस करो। जो यंग के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने दिन रात प्रैक्टिस की। इन दिनों वो दोनों यंग का अच्छा फ्रेंड भी बन गया था। एक दिन जब दोनों अपने डेली वाले रेस्टोरेंट पर गए तो वो बंद था। वो बाहर ही बैठ कर बात करने लगते हैं। यंग जो से पूछती है कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो, क्या तुम हमेशा स्विमिंग करना चाहते हो। जो कहता है, ऐसा नहीं है। जो के पास सच में अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी प्लान नहीं थे। यंग उसे बताती है कि लाइफ में मेरा गोल है, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तभी वहाँ उनके टीचर आते हैं और उन्हें बात करते हुए देख लेते हैं। ये दोनों भागने लगते हैं क्योंकि स्कूल बंक करके आए थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई। भागते टाइम जो यंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। जब यंग अपने कपड़े सुखा रही थी तो उसने जो का रूम देखा और उसमें उसे पॉन की सीडी मिलती है। जो उससे कहता है, ये मेरा नहीं मेरे फ्रेंड का है। यंग पूछती है, तुम सब ये कब से देखते हो। जो कहता है, रात के 11 बजे के बाद हम देखते हैं। एक्चुअल में यंग उससे उसकी एज पूछ रही थी कि उसने देखना स्टार्ट कब से किया।
यंग जो के आंसर पर बहुत हंसती है और मज़े भी लेती है। बेचारा जो एम्बेस फील करता है। अगले दिन स्विमिंग कंपटीशन होता है और कंपटीशन में कैप्टन ही जीतता है। अब बैट के अकॉर्डिंग यंग को अपने बैग पर लिखना पड़ेगा कि वो कैप्टन की गर्लफ्रेंड है, तो उसने ये ऑलरेडी लिख लिया था और जो के साथ हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। स्कूल में यंग का फ्रेंड सिर्फ जो ही है। इसके बाद वो दोनों बीच पर आते हैं जहाँ यंग जो की ब्यूटीफुल पिक्चर बनाती है। इन दोनों का आज का डे बहुत अच्छा था, इसलिए ये विश करते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही रहे। बीच से जाते टाइम यंग ने हाईवे पर अपने डैड की कार देखी, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और जो को हक कर लेती है। अगले दिन यंग स्कूल नहीं आती। जो उसके लिए परेशान हो जाता है और उससे मिलने उसके घर जाता है। घर पर वो देखता है कि यंग के फादर ने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। यंग के फादर ड्रंक थे और पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ आए थे। जो ने ये सब देख लिया था तो यंग उससे जाने को कहती है। रात के टाइम यंग जो को कॉल करती है और कहती है, मुझे नहीं लगा था कि फादर हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। और वो कहती है, मैं तुमसे मिली, तुम मेरी लाइफ में आए, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। ये लास्ट कॉल था यंग का जो के लिए। इसके बाद वो ये टाउन छोड़कर चली गई। फ़ोन कॉल के बाद जो यंग को ढूंढने निकलता है पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साल निकल जाते हैं। जो एक कंप्यूटर सेंटर में वर्क करने लगता है। उसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने कॉलेज के लिए अप्लाई भी नहीं किया। एक दिन उसका फ्रेंड उससे मिलने आया। उसके पास न्यू मोबाइल फ़ोन था तो वो उसे दिखाता है। जो उसमें उसकी यूनिवर्सिटी के फ़ोटोज़ देख रहा था, तभी उसे एक फ़ोटो में यंग दिखी। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और फिर वो डिसाइड करता है कि यंग जिस यूनिवर्सिटी में है, मैं उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। घर आकर वो अपने सारे वीडियो गेम्स की सीडी फेंक देता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। उसने दिन रात मेहनत की। उसकी पढ़ाई में उसके फ्रेंड ने भी उसकी हेल्प की। इतनी मेहनत के बाद फाइनली जो को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। जो यूनिवर्सिटी में यंग को हर जगह ढूंढ रहा था। फाइनली यंग उसे दिख जाती है। वो इमेजिन करता है कि यंग उसे देखते ही उसे हक कर लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो उसे फर्स्ट टाइम में पहचान भी नहीं पाती। पर जो जब उससे मिलता है तो उसे अच्छा लगता है। कॉलेज में यंग फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रही थी। यंग उससे पूछती है, तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लिया, तुम्हें तो पढ़ाई पसंद ही नहीं है। जो कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो यंग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है और उसके साथ ही रहने के लिए वो गर्ल्स चीयर लीडिंग टीम में पार्ट ले लेता है। यंग को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसे बता देती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। जो ये जानकर अपसेट हो जाता है। फिर जो अपने फ्रेंड से यंग के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। वो कहता है यंग का बॉयफ्रेंड चेंग है और चेन फुटबॉल टीम में है। जो ने गर्ल्स की टीम में पार्ट लिया है, इसलिए उसे भी चेंग के लिए चीयर अप करना पड़ता है। जो की कंडीशन देखकर उसका फ्रेंड उसे चिढ़ाता है। देन हम देखते हैं कि जब यंग और जो कहीं जा रहे थे तो उनके पास से एक लड़की निकलती है जो अपना बैग पकड़कर भाग रही थी। उसके पीछे एक लड़का था। जो उस लड़की को उस लड़के से बचा लेता है। नेक्स्ट डे जो के फ्रेंड्स उसके लिए पॉन की सीरीज लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि हमें आते वक्त यंग मिली थी और उससे हमने इस पार्सल पर साइन भी करवा लिए। सभी इस बात पर हंस रहे थे, तभी वहाँ पुलिस आती है। जो और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि उन्होंने इल्लीगल सीरीज बाय की है, इसलिए पुलिस उन्हें लेने आई है। पर पुलिस तो जो को लेकर आती है और उसके साथ यंग को भी। जो सारी बात यंग को बताता है कि उसे लगा कि वो अरेस्ट उन सीरीज की वजह से हुआ है, पर रीज़न ये नहीं था। पुलिस से उन्हें पता चलता है कि उस दिन उन्होंने जिस लड़की को कैंपस में बचाया था वो एक्चुअली में चोर थी और जिस लड़के को मारा था वो बैग उसका ही था, तो यही गलती की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। और ऐसी हालत में होने पर भी वो अपनी सिचुएशन पर बहुत हंसते हैं। फिर जो यंग से पूछता है, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे मिले। यंग कहती है, जब मैं यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गई थी वही मैं उससे मिली थी। एग्ज़ाम की वजह से मैं बहुत नर्वस थी, तो चैन ने मुझसे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, तुम पास हो जाओगी और हम दोनों फिर यहीं मिलेंगे। चैन स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा है और जो सिक्योरिटीज़ मुझे अपने बॉयफ्रेंड को लेकर चाहिए थी वो चैंग मुझे दे सकता है।
यंग की बात से जो रियलाइज करता है कि उसका लव कितना सेल्फिश था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि यंग को क्या चाहिए। और इसी के साथ मूवी का पार्ट 1 यहीं एंड होता है।